गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मिस किरण आज क्लास यूकेजी जी को मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। आज का पाठ नंबर है 19 और पाठ 19 में हम पढ़ेंगे, शीर्षक है मानक हिंदी वर्णमाला। क्या है शीर्षक? मानक हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम सबसे पहले पढ़े थे, याद है आप लोग को? जैसे पहला वीडियो में मैं आपको बताई थी वर्णमाला के बारे में। वर्ण कितने तरह के होते हैं? वर्ण दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आज हम फिर से इन्हीं वर्णों को बारीकी से जानेंगे, फिर से उनको बटा गया है कैसे देखेंगे। तो सबसे पहला प्रकार है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं चलिए पढ़ते हैं। अ, आ, हस्वई, दीर्घी, हर्स्व, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, अ, ये सारे वर्ण इसमें आते हैं स्वर वर्ण में। ओके, अब दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं देखेंगे। क वर्ण और च वर्ण। क वर्ण में है क, ख, ग, घ, अंग। और च वर्ण में है च, छ, ज, झ, ञ। तो क वर्ण और च वर्ण व्यंजन वर्ण में आते हैं। अगला है स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण में है त वर्ण, त वर्ण और प वर्ण। त वर्ण में त, ठ, द, ढ, मूर्धन्य, अढ़, ड़। त वर्ण में त, थ, द, ध, दंतेन। प वर्ण में प, फ, ब, भ, म। तो इसको हम क्यों स्पर्श व्यंजन बोलते हैं? ये त वर्ण, प वर्ण को हम ध्यान से सुनेंगे कैसे उच्चारण करते हैं, ठीक है? तो ट वर्ण, ट, ठ, मतलब जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम लोग का जीभ तालू के साथ ऐसे टच करता है ना? हाँ, आप लोग भी 2-3 बार बोल लीजिएगा, समझ में आएगा। इसलिए ये ट वर्ण स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब जो त वर्ण है, चलिए इसको भी बोलते हैं फिर से, त, थ, द, ध, दंतन। तो इन सारे वर्णों को जब हम बोल रहे थे तो कहाँ से उच्चारण होता है? हमारा जीभ और दांत में ऐसे ऐसे टच करता है, स्पर्श करता है ना? हाँ, तो इसलिए ये भी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। आगे है पावर। पावर को चलिए हम उच्चारित करते हैं, प, फ, ब, भ, म। पावर को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा लिप्स जो ओंठ है, दोनों ओंठ आपस में स्पर्श करते हैं, तब जाके इसका उच्चारण होता है। तो इसलिए ये तावर, तावर, पावर इसमें आते हैं स्पर्श व्यंजन में। समझ में आया? ठीक है, आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ला, वा, ये अंतस्थ क्यों? अंदर से आता है। कोई भी हमारा पार्ट, मुंह का कोई भी पार्ट नहीं टच करता है, लेकिन ये अंदर से हवा आता है, निकलता है आवाज, या, र, ल, व, ठीक है? इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और सबसे लास्ट में है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म मीन्स गर्म हवा। इन सारे वर्णों को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलेगा। चलिए इन्हें पढ़ते हैं, तालेश, मोदनेश, दंतस और ठीक है, और बार तालेश, मोदनेश, दंतस और तो समझ में आया? आगे हम फिर आपको आगे कुछ और भी वर्ण है जिसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो यहाँ समझ में आया आपको?
स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन अंतस्थ और उष्म। तो आइए आगे हम देखते हैं संयुक्ताक्षर अयोगवा और तीनों के नाम। तो संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर मीन्स ये दो शब्द के मेल से बना है, संयुक्त और अक्षर, जुड़ा हुआ अक्षर, उसको हम आधे अक्षर भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिसमें दो वर्णों का मेल है। तो सबसे पहले है एक्ष, आप लोग बोलिए एक्ष। ये एक्ष वर्ण क, आधा क और मूर्धन्य स और अ के मेल से बना है। आगे है त्र, त्र वर्ण आधा त आधा र और अ के मेल से बना है। ज्ञ, ज्ञ वर्ण आधा ज आधा ज्ञ और अ के मेल से बना है। स्र, स्र वर्ण तालव्य आधा तालव्य आधा र और अ के मेल से बना है। जब हम वर्णों के नीचे में इस तरह का चिन्ह, क्या चिन्ह हम बताए थे इसको बोलते हैं हलन, उसका अर्थ क्या है, ये वर्ण पूरा नहीं है, इसमें अ छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्ष त्र ज्ञ और स्र क्या है, संयुक्ताक्षर है, ठीक है। आगे है अयोगवा, अयोगवा में हम कुछ मात्राओं के बारे में पढ़ते हैं। ये तीन मात्रा हम यहाँ लिखे हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार, हम लोग पढ़े थे ना, इसको पढ़ते हैं अनुस्वार और इसको चंद्रबिंदु या अनुनासिक, और ये दो बिंदा इसको पढ़ते हैं विसर्ग, मालूम है ना। तो अयोगवा में आता है आपका अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग। लास्ट में है तीनों के नाम, तीनों के नाम में ये तीन तरह का स आएगा। तो पहला वाला स को क्या पढ़ते हैं, तालव्य श, सबको बोलिए तालव्य श। और ये दूसरा है मूर्धन्य स, क्या है मूर्धन्य स। लास्ट वाला है दंत्य स, क्या है दंत्य स। समझ में आया। तो यहाँ हम पाठ 19 जो मानक हिंदी वर्णमाला के बारे में मैं आपको बता रही थी, ये पाठ खत्म हुआ। आप लोग अपने बुक में भी इसको पढ़ सकते हैं और मेरे इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, अपने हिंदी की कॉपी में सारे को लिखेंगे साफ साफ पेंसिल से, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, सी यू इन अनदर वीडियो।